ये घटना सर 1/9/2020 की है, समय लगभग शाम 4 बजे। तो वहाँ मौके पे जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने आपके संग में कुछ आपका फेवर नहीं किया? नहीं सर, वहाँ पर जो वाहन वहाँ पर वाहन का जाम लगा हुआ था, उसके जो वहाँ पर पुलिस वाहनों का सर जाम खुलवाती है, तो वहाँ नेटवर्क में आपका खुश आंदे। आइए जानते हैं क्या है आज की बड़ी खबर। विधायक का गनर बना मवाली। वधाल नेशनल हाईवे पर जाम में विधायक के हूटर की घनघनाहट से सुनकर भी गुलाम जनता के ड्राइवरों ने अपने वाहनों को खाई में गिराकर विधायक को रास्ता नहीं दिया तो विधायक का गनर बौखला गया और ट्रक ड्राइवर को लठियाने लगा। जबरदस्त जाम होने की वजह से विधायक को रास्ता न मिलने पर विधायक के गनर ने जमकर आतंक मचाया। मौके पर मौजूद एक रिपोर्टर ने मामले को कैमरे में कैद करना शुरू किया। कैमरा चलता देखकर गनर पत्रकार पर टूट पड़ा। गनर ने ना सिर्फ पत्रकार को बुरी तरह लठियाया बल्कि पत्रकार का मोबाइल भी छीनकर तोड़ दिया। शाहजहांपुर के कटरा विधानसभा से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह के इशारे पर गनर ने पत्रकार वाजिद हुसैन को उसके पेशे से जोड़कर गालियां बकते हुए पत्रकार को बुरी तरह से लठियाया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर सड़क पर पटक पटक कर तोड़ दिया। बता दें कि यह सब आतंक विधायक की मौजूदगी में हुआ। गनर के आतंक की वीडियो किसी ने वायरल कर दी, जिस पर शाहजहांपुर के एसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए गनर राहुल कुमार को सस्पेंड करते हुए सभी मातहतों को हिदायत दी कि कहीं पर भी नागरिकों के साथ बदतमीजी ना करें। आज कई सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें यहाँ जनपद शाहजहांपुर के कटरा विधानसभा के विधायक श्री वीर विक्रम सिंह के गनर के द्वारा जनता के व्यक्तियों से दुर्व्यवहार किए जाने का एक वीडियो था। इसका त्वरित संज्ञान लेते हुए ये गनर, इसका नाम राहुल कुमार है, इसको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। और यह मैसेज पूर्व में भी सभी लोगों को बता दिया गया है कि शासन की मंशा है जनता के साथ किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार कोई पुलिसकर्मी किसी भी स्तर पर नहीं करेगा। बरेली में पत्रकारों ने कप्तान से शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। कप्तान की गैर मौजूदगी के चलते पीआरओ ने पत्रकारों को आश्वासन दिया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम यही कहना चाहते हैं कि हर आए दिन किसी न किसी पत्रकार के साथ में कोई घटना होती रहती है और इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसमें तत्काल से तत्काल इसमें 40 जून को विशेषकर 40 जून को निलंबित करने की हम लोग मांग करते हैं। और हम अपना अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की तरफ से बल्कि हमारे सभी जो जितने पत्रकार भाई हैं लेकिन हमारा संगठन हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ यही मांग करता रहेगा और मांग जांच करेंगे कि इसके खिलाफ कोई ना कोई कल पत्रकार पर हमला हुआ वाजी जो है ये बहुत बहुत न्याय है क्योंकि पत्रकार पर आए दिन जो हमला हो रहा है ये कहीं ना कहीं यूपी सरकार की कमी महसूस किया जा सकता है कि एक विधायक के रहते हुए और उनके संज्ञान में होते हुए भी एक पत्रकार पर हमला हो रहा है जो कि उनका खुद मुखिया इस चीज़ पर कहता है कि पत्रकार पर हमला नहीं होना चाहिए, उस पर एक कठोर कार्रवाई की जाएगी, 50,000 रुपये जुर्माना, 3 साल का जेल। तो ये क्यों नहीं हो रहा है, आखिर कब तक ऐसा पत्रकार पर जुर्म चलता रहे? मेरा नाम सैयद मारूफ अली है, मैं CS2 चैनल का पत्रकार हूँ, पत्रकार कल्याण समिति का उपाध्यक्ष हूँ। तो वहाँ पर विधायक जी की गाड़ी भी फंसी हुई थी, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो विधायक जी ने अपने गनर से कहा कि ऐसा है, कौन पत्रकार है, क्या है, क्या नहीं। उसने पहले तो आपके कार वालों को भी काफ़ी पूछ करके पूछा, उसके बावजूद फिर पत्रकार के ऊपर भी डंडेबाजी वगैरह करी और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया गया। किस विधानसभा का विधायक है ये? घटना कब की है ये घटना? सर 1/9/2020 की है, समय लगभग शाम 4 बजे। तो वहाँ मौके पे जो पुलिस अधिकारी थे उन्होंने आपके संग में कुछ आपका फेवर नहीं किया? नहीं सर, वहाँ पर जो वहाँ पर वाहन का जाम लगा हुआ था, उसके जो वहाँ पर पुलिस वाहनों का सर जाम खुलवाती है, तो वहाँ पर और उन्होंने कुछ नहीं सर मेरा सपोर्ट नहीं करा, विधायक जी के सपोर्ट नहीं किया। यहाँ सवाल ये
संदेह पैदा होता है कि क्या सार्वजनिक जगह पर आतंक फैलाने, पद का दुरुपयोग करने, नागरिकों को पीटने, लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने यानी धारा 147, 148, 323, 504, 506, 427 IPC के तहत मुकदमा क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा है।